क्या है ना अन्ना, चैंपियन भी इक्का तब निकालता है जब सामने बादशाह होता है। मजा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, स्ट्रीट डांसर 3D का ट्रेलर आ चुका है और जिसमें है वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा हैं और नोरा फतेही है इसमें। और स्ट्रीट डांसर 3D मतलब कि इस बार कुछ 3D में डांस दिखने वाला है। और डांस के ऊपर बहुत सारी मूवियां आ चुकी हैं, पहले भी ABCD आई थी जो, और वो मूवी यार बहुत अच्छी चली थी। बहुत अच्छे उसमें डांस के जो दिखाए गए थे वो बहुत अच्छे दिखाए गए, क्योंकि ये मेन चीज है। अब ये स्ट्रीट डांस आ रहा था, स्ट्रीट डांस में अब मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रीट डांस के पर्सन को उठा के ला रहे हैं या फिर वो कंसेप्ट उठा के ला रहे हैं या फिर कुछ और स्ट्रीट डांस करने का दिखा रहे हैं कि हाँ कैसे जनरेट होता है, कैसे किया जाता है। और यार प्रभु देवा जी की बात तो यार क्या करें हम, वो जिस हिसाब से जहाँ से उठ के आए और जहाँ से उन्होंने मुकाम बनाया अपना इस दुनिया में, बहुत ही लाजवाब है यार। किसी के लिए यानी किसी ने कह रहा है कि यानी कि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, तो उन्होंने मेहनत करी और इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो देखते हैं इस ट्रेलर को, स्ट्रीट डांसर 3D का ट्रेलर। इंडिया और पाकिस्तान चाहे क्रिकेट में मिले ओ, या डांस मैच में, मजा तो आएगा, मजा तो आएगा। और मेरी लाइफ का रूल नंबर 1 है, नेवर बी नंबर 2। अगली बार मुकाबले का मन होना तो कुछ नया सीख के आना। अदा तो दे अपना है। अदा अकड़े इसकी। अरे एक दिन एक कमेंटेटर है ना, इनके कैप्टन से पूछा क्यों नो इंग्लिश, उसने बोला अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। कमाल, गले पड़ने वाले आज गले लग रहे हैं अचानक। यस सर, मैं मानता हूँ कि एक अलग कंट्री से, पर सर मेरी बीजी हमेशा कहती है लव दाय नेपा। तुम्हारे और हमारे डांस में क्या फर्क है, तू खुद के लिए डांस करता है, हम दूसरों के लिए। बन गया है ना अन्ना, चैंपियन भी इक्का तब निकालता है जब सामने बादशाह होता है। मजा आएगा। And you feel you can win? Of course, sir. We have the best team. मुझे बस वो इनायत और उसके गैंग को हराना है। तुम लोग नेशनलिटी रिलीजन क्रिकेट के नाम पे हमेशा आपस में लड़ते हो ना, ये लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में। पाजी, आपने वैसे झूठ क्यों बोला पाजी हमें? वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स का कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हैं, तेरे जैसे लोगों की वजह से उनका ये हाल है। तेरे दिल की बारी है, अब सिर्फ उसकी सुन। मेरी बीजी हमेशा कहती है कि चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु का नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो पल भी इबादत ना होता है जब तू किसी और के काम आवे। हम लोग एक कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। Watch out, we're back again, come! तो भाई ये भी जल्दी आई है। और यार तगड़ा मतलब डांस दिखाया है इसमें, तो पक्का ही 3D डांस है, स्ट्रीट डांस है। और भाई जो डांस के स्टेप हैं वो अनबिलीवेबल हैं, क्योंकि कुछ स्टेप तो ऐसे हैं जंपिंग और स्टेप जो दिखाए हैं वो ऐसे हैं कि हवा में स्टेप करना यार बहुत मुश्किल होते हैं। बाकी यार हम उसकी बात छोड़े, हम पहले बात करते हैं कि जो पहले भी डांस है मूवी आई हैं जैसी ही एक कॉम्पिटिशन वाली मूवी है ये, और इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुछ बातें ली गई हैं थोड़ी सी, और क्रिकेट को लेकर ली गई हैं, क्रिकेट को लेकर थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जैसे
इंडिया पाकिस्तान को लेकर लड़ाइयाँ होती है, वैसे ही ये दो टीमें दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो इन दो टीमों में एक में श्रद्धा कपूर है, एक में वरुण धवन है, तो दोनों में ये लगा रहता है कि हाँ भाई मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और ये चीज़ चलती रहती है यार, देखो जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो जीतने की ललक नहीं आएगी अंदर से, तो वही इनके साथ है। और एक चीज़ देखने को मिली यार, इसमें डायरेक्टर हैं रेमो डिसोजा और प्रभुदेवा जी इसमें काम कर रहे हैं, मतलब प्रभुदेवा जी नई चीज जो मेन चीज कह रहे हैं यार, वो डांस का पार्ट कर रहे हैं, यानी डांस सिखा कोरियोग्राफी करना, या फिर वो एक कहते हैं कि टीम मैनेजर बोलते हैं उन्हें, तो वो है एक तरह से, और वो सिखाते हैं सारी चीज़ें कराते हैं। तो मेन चीज़ वो है कि यार उनकी अलग ही छवि है, और वो इसी लेवल पे रहना चाहते हैं यार, उनको हम कहीं पे भी ये नहीं है कि हाँ भाई किसी स्ट्रीट डांस में चाह दिया वैसे करते, वो कहीं पे भी यार उस चीज़ को बिलो ही नहीं करते, उस चीज़ के लिए जाते ही नहीं है। तो मेन चीज़ क्या, उनका कद बहुत ऊँचा है, ठीक है। और अगर बात करें जिस हिसाब से मूवी आ रही है, तो उस हिसाब से भाई जनवरी में बहुत सारी मूवी आ रही है, साथ के साथ ये भी एक ऐसी मूवी आ रही है भाई डांस के ऊपर है। अब डांस के ऊपर है तो भाई अब मान लो कि मेरे से गारंटी लिख के ले लो कि जितना भी यूथ है जो डांस यूथ स्कूल देखते हैं, ठीक है, कॉलेज ठीक है, और ऑफिसेस और शादियों वाले की बात ही छोड़ दो, उनका तो पता ही नहीं होता किस गाने पे नाच रहे होते हैं, ठीक है। इनका तो ये है कि चलो स्टेप जो है बहुत अच्छे हैं, अब एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि स्ट्रीट डांस उठाए उन्होंने, तो स्ट्रीट डांस में कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये थ्री लिखा है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ए बी सी डी वन आई थी, फिर टू आई, फिर ये थ्री उसी का पार्ट लेके आ रहे हैं, तो ये बस थोड़ा स्ट्रीट डांस नाम रख दिया इसका। और जैसा कि इसमें देखने को मिल रहा है यार, थोड़ा सा स्टोरी कुछ इमोशनली भी है बीच में, जो कि इमिग्रेंट्स वगैरह रहते हैं बाहर, उनको मुश्किलें होती है, तो उनका भी थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि उसके लिए भी वो डांस कर रहे हैं और कंपटीशन जीतना चाहते हैं उसके लिए, तो वो चीज़ें भी दिखाई है, वो चीज़ होती है इसमें। और इसमें दिखाया भी गया है, इसमें वरुण धवन कहीं पर थोड़ा बहुत आशिकी का सीन भी दिखाया गया है, कुछ इमोशनल चीज़ें भी हैं। अब वो मेन तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा कि कहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब ऐसे तो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कहाँ पर वो क्रिएट हुई है, बट ये है कि मूवी के मिड में ही आने वाली चीज़ है कि वो कंपटीशन जहाँ पर जनरेट होता है वहीं पे बात आती है, जो बोलते हैं कि जब सामने वाला चैलेंजर हो तभी हम तुरुक्का इक्का निकालते हैं। तो ये बात सही है यार कि जब लगता है कि सामने वाले के साथ खेलने में मज़ा आएगा तभी हम अपनी आखिरी चाल चलते हैं। तो ये मूवी आएगी जनवरी में, और अब लग रहा है कि इतनी मूवियाँ आ रही हैं तो काफ़ी, अब देखते हैं कौन सा बंदा कौन सी मूवी देखने जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी है यार कि श्रद्धा कपूर ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, और डांस उनके हैं, उन्होंने करा भी हुआ है पहले भी, और मैंने देखे उनके डांस भी, इस पर कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि मूवी ही डांस के ऊपर है। और जैसे कि इसमें नोरा फतेही भी है, तो उनका भी डांस बहुत तगड़ा है यार। नोरा फतेही की तो बात ही अलग है यार, उनका तो अलग ही चलता है यार, उनको देखा मैंने बहुत बार डांस करते हुए ना, तो उनका तो एक अलग ही क्राइटेरिया बना हुआ है। और पुराना गाना में सुनने को मिल रहा है प्रभुदेवा जी का मुकाबला, तो भाई फिर से मतलब मजा आने वाला है उस गाने का। थोड़ा सा एक चीज तो हो रही है कि पुराने गाने ना मिक्स होके आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा म्यूजिक चेंज हो रहा है, लिरिक्स वही है, थोड़े बहुत लिरिक्स चेंज भी किए हुए हैं। मेन चीज का ना, हमें तो बस चार लाइनें याद हैं, अब मेन चीज का थोड़ी बहुत डिफरेंट लाइनें यूज हो रही है, जैसे हमने धीमे धीमे सुना, या फिर इलू इलू आया, जो जितने भी गाने आ रहे हैं पुराने को रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे आशिक बनाया आ रहा है, ठीक है, तेरा सुरूर आ रहा है, जो बढ़िया आते जा रहे हैं तो गानों के, तो उसी हिसाब से ये भी चीजें चलती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो चेंजेस आ रहे हैं गानों में भी। तो बहुत ही बढ़िया एक डांस वाली भरी हुई मूवी हमें देखने को मिलेगी जनवरी में। तो ये ट्रेलर हमें तो बढ़िया लगा है, डांस से भरपूर वाला ट्रेलर है ये, तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के। और यार फटाफट ना एक ही चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ, फिर तो हमारी वीडियो आपको मिलनी मिलनी है यार। और यार वीडियो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।